हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम सब बहुत अलग अलग हैं। हमारी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, टेस्ट, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, सभी कुछ तो अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम सब के पास एक कॉमन एसेट है। समझे? नहीं समझे जी? वो है यादों का, मेमोरी का पेंडोरा बॉक्स। और जब कभी भी हम, मैं और मेरी तन्हाई किस्म के मूड में होते हैं, तो इस पेंडोरा बॉक्स में से एक एक बेशकीमती याद, नॉस्टैल्जिक याद निकालते हैं और उस जादुई याद को सहलाने, सहेजने लगते हैं। सबसे पहले निकलती है उसमें से बिना का संगीत माला के साथ सब्जी, दूध, रद्दी वाले की स्वर लहरी मिली वो अलस सुबह, और वो दूरदर्शन के गोल घूमते गोले सी मीठी रातें भी तो निकलती हैं, जिन पर हम सिर्फ चित्रहार और हम लोग का इंतजार किया करते थे। ठीक उसी तरह, जिस तरह नॉस्टैल्जिक रंग बिरंगे जादुई वो स्लाइसेस हैं जिन्हें हम लाते हैं आप ही के उस शो में जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, शायद बेखबर हैं इस बात से कि वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। दोस्तों, कुछ ऐसा सोचकर हमने भी दिल को समझा लिया था, पर आज जाने क्या हुआ कि आज जब हमने हौले से पुकारा तो जिंदगी अतीत के एड्रेस से निकलकर एक चमकीले नए रूप में सामने खड़ी मुस्कुरा रही। आज ऐसा करिए, आप चाय के कप की जगह स्ट्रॉ डालकर लिम्का या थम्सअप की बोतल खोल लीजिए, क्योंकि आज का नॉस्टैल्जिक स्लाइस लेकर वो लड़की आ रही है जो फिल्में और छोटे पर्दे पर चाहे कितने भी रोल्स कर ले, रहेगी हम लोग वाली लाडली मंजली, AKA दिव्या सेठ शाह। वेलकम टू आवर शो दिव्या जी, एंड वेलकम ऑन बीइंग आवर अ स्पेशल स्पेशल फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑन द शो टू। Wow, that's nice to know. And it's nice to have you. Namaskar, pranam, Eid Mubarak. Oh yes, Eid Mubarak. Divya ji, going straight to the questions. It has been 36 years. 36 long, long years since the first soap opera of the Indian television industry came out, which completely revolutionized कर दिया था पूरी industry को। और आपने उसके बाद ढेरों टेली सीरियल्स किए, ढेरों फिल्में की, वेब सीरीज की, but it's an irony, I'd say, कि आपके फैंस आपको सबसे ज्यादा मंजली के रूप में पहचानते हैं और याद करते हैं। Does it bother you? How do you feel about that? Oh no, it doesn't bother me at all. It's just that generation, वो जो उस generation के लोग हैं, वो उसमें याद करते हैं। जो current generation है, जो मेरी बेटी की generation है, और जो younger generation है actors की, they know of it, but they don't really know that. They know me a lot from the shows that I've been on television with, the films, the few films that I have done, and now of course the web series that I'm doing. So the younger lot doesn't really know me from that. But I think even though I didn't realize what a great honor it was at that time, but now I do realize what an immense honor it is to be part of the first soap opera of our country. Can you hear my dog barking throughout? Oh, we can. And he's downstairs in the garden, but you can still hear him. He's got quite a buland awaz like yourself. That is great. He's our gate light and he's our guard. He's everything. Yeah. Divya, aap born hui ek affluent business class family mein. Your dad was a businessman. Your mom is a very accomplished actor herself. उसके बाद आप कॉन्वेंट एजुकेशन मिली आपको, आई थिंक आप कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से स्कूलिंग हुई आप, और बहुत ही प्रेस्टिजियस सेंट स्टीवन से आपने ग्रेजुएशन भी किया। सो ऑल दिस इज वन साइड, एंड देन आपका डेब्यू होता है एक
लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड की मंझली लड़की के रूप में हु वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम हाउस यू नो टू फुलफिल हर ड्रीम्स शी हैज गॉट एन अल्कोहलिक डैड शी हैज गॉट अ वेरी ओप्रेस्ड मदर कैसे हुआ ये जर्नी किस तरह रही आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को What a lovely question. I'm very impressed with you that you've actually asked that question. Thank you. So, उस समय तो इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, उस समय इतनी क्षमता नहीं थी, उस समय इतनी बैंडविड्थ नहीं थी एज एन एक्टर. ये सिर्फ मालूम था कि एक्टर बनना है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो समर वेकेशन में हो रही है और पैसे भी दिए जा रहे हैं. And as the days went on and, you know, the work became harder and I had to shoot and then I had to go to college and then I was rehearsing for plays and everything. And the part that you have asked, okay, you know, I came from a very different background from what Rupanti or Majli belonged to. There was one scene we shot once. And up till then, my director was very happy with my work. And writer bhi shabashi dete the, ki are tum to badi achhi lag rahi ho, aankhe aankhe aise kar rahi ho. So, because, you know, it's not very difficult once you're in costume and you start talking that boli to become that character. But there was one particular scene I did. And then I went up to my director and I said, thik tha ye. He was such a lovely man. His name was P. Kumar Vasudev. He said, nahin. He said, एक्ट्रेस के तौर पे बड़ा अच्छा किया तुमने लेकिन मजली के तौर पे बिल्कुल गलत था मुझे दिव्या चाहिए मुझे मजली चाहिए एंड देन ही सेड आई एम जस्ट गोइंग टू रोल इट और फिर तुम्हारे जो मन में आए तुम करो एंड आई लेट इट रिप बिकॉज ही सेड ये हादसा अगर दिव्या के साथ होगा तो वो थोड़ा सा नाराज होगी थोड़ा सा रोएगी बट शील गेट ओवर इट एंड उसके पास इतना वो है यू नो इर्द गिर्द के वो संभाल लेगी लेकिन मजली जैसी औरत के साथ ये होगा तो वो संभाल नहीं पाएगी फॉर हर हर लाइफ इज रूइंड एंड देन आई डिड इट आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग एंड आई जस्ट लेट इट रिप लाइक आई थॉट दिस गर्ल वुड एंड व्हेन द शॉट वाज ओवर नोबडी सेड कट नोबडी सेड एनीथिंग there was pin drop silence and I said oh god I've really messed up and I looked up because I had been you know I was just sobbing and I looked up and I saw my director with his head in his hands like this and my mother was sitting in the corner watching the monitor and crying so I knew I had done it fine and then we saw the magic every Tuesday Thursday and Friday Doordarshan तो मम्मी से आपको टिप्स भी मिलती थी वो दादी बनी थी ना हम लोग बिल्कुल सो शी यूज्ड टू गिव यू फर्स्ट हैंड टिप्स ऑन हाउ टू गो अबाउट थिंग्स साइड ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग एब्सोल्युटली यू नो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द पिच और इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इट सीरियसली एंड एवरीथिंग एल्स शी यूज्ड टू कीप टेलिंग मी डोंट डिसरिगार्ड एंड डिसरिस्पेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी It doesn't come to everyone. And I had got the part because she was already cast as Dadi and they were looking for the other two girls. They had already cast Seema as Badki. And I just went to meet them. I'm like, I'm not going to get this. And I was on summer holidays from, you know, it was my last year in school, first year college. And the minute I walked in and they looked at each other and they started smiling and said, Milgai. So, yeah. So, you know, that was quite lovely. So, but yes, no, I was always a very hard worker. So I didn't disrespect or disregard any opportunity. I didn't take it for granted. Ye nahi hai to aur aa jayenge. With any of my work in any phase of my life, I have never disregarded my work. I have never considered any part I've done too small or too insignificant. Everything that I have done has got me to this point. And has made me the actor I am today, good, bad, ugly, you know, competent or otherwise. But I don't belittle the journey at all ever. Ek fan ke taur pe, I can say definitely it has been good. And we have seen the honesty in your work on the screen. And then I've done my job. You said I've done my job. I still say this to younger actors and, you know, who ask me for my opinion or advice. Which I don't think I'm worthy of giving yet, but I just say, work hard. I am of the firm belief that hard work surpasses even talent. You can be very talented, lekin agar aap hardworking nahi hai, to aapko ek opportunity ke baad koi dusri opportunity kabhi nahi dega.
If you look in the industry today and you see the amount of people who've been around for a long time and have straddled different avenues, which is either theater or television or web or film, it's the people who have worked very, very hard, who till today are so grateful and so excited with new prospects and new work and new parts. Not the people who think, "Arre, isme kya hai? I've done this 10 times. Aag band karke main ye kar lunga." I find that shocking when people say that. You know, I'm like, no, it's time. I want to leave. I want them to time their watches with my arrival. I don't ever want to be late. Now they're like, "Arre, kya? They'll wait na 10 minutes. I've never understood that because we're from the theater. We have been trained by Sushma Seth and Barry John. And, you know, you get there 15 minutes before your director, dude, or you don't get there at all. No. That's how it is. I mean, aapne, interestingly, Barry John ka naam liya, you have done Barry John Theatre and aapke Shah Rukh Khan bhi aapke friend rahe hain, unhone aapke saath, I think he was your batchmate in Barry John Theatre. Well, you can't really call it batchmate because it wasn't a school or a college. It was the year we were all in the 4 years we were all together in that particular repertory. Okay. So, you know, we were all trained under Barry. We used to do two commercial productions a year and we used to travel with them. Okay. So, yes, that was a very, very vital part of our training and whatever we learned and did and those memories and everything was quite wonderful. Yes, so I was actually going to hint on that. Ki fir aapne Lake Tandon ke teleserial Dil Darya mein bhi Shahrukh ke saath kaam kiya hai. To aapki unke saath koi khatti mithi yaad jo aap, you know, you would like to share with our audience and talk. Arey, bahut sari hai. So let's not even go down that. let's have a bite. we were a wonderful bunch of friends and we were all, you know, when you work in theatre together, you become like a family and a cohesive whole. So everybody, you know. Everybody still knows each other. Everybody still is in touch with each other. It's quite lovely to be part of a theatre company. Yeah. Okay. Let's go to our next question. Then, Divya, aapne abhi kuch time pehle, ek do saal pehle, Accidental Prime Minister jaisi political film mein kaam kiya, political prashthbhumi wali film. Abhi filhal kuch dekhne mein aaya hai pichle dinon ki jaise film personalities hain. जैसे स्वरा भास्कर हैं, ऋचा चड्ढा हैं, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, इन सभी ने जम के पॉलिटिकल यू नो मुद्दों पर आवाज उठाई है, लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले लें, या इवन जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कही जाती हैं दीपिका पादुकोण, she has protested and expressed her dislike towards the JNU attacks on students and staff. To ye jo Bollywood aur politics ek saath entwine hui hain, ek saath interlock hui hain, intermingle hui hain, uske bare mein aap kya kehna hai? Ek to pehle aap usko Bollywood na kahe aur Hindi film industry kahe to better hai. Zarur Hindi film industry it is then. Also nothing that happens in your country, जो हमारे देश में होता है, जो हमारे साथ होता है, वो एक दूसरे से अलग तो है नहीं. आप देश में क्या करते हैं या आपकी policies क्या होती हैं, वो directly हमें affect करती हैं. Especially in last 2 सालों में बहुत ज़्यादा affect करती हैं आपकी. और इस समय ना तो government को ना policy makers को, they're trying their best. उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा इस virus से हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. लेकिन ये मुझे मालूम है कि as an industry, as people who work together, हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है. एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की बात समझना. ये समझना कि हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है. हमें अभी तक वो स्टेटस नहीं दिया गया है जो बाकी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है. मतलब कि when there is a disaster, we are not managed. We have to manage ourselves. हमारी शूटिंग पे जो लॉसेस होते हैं, हमारी फिल्म्स के जो लॉसेस हो रहे हैं, हमारे इतने सारे डेली वेजर्स हैं, who are out of work for the last 2 years. Actors, technicians, artists, makeup, musicians, dancers. आप ले लीजिए every day. This is the time कि एक दूसरे की मदद करें. This is not the time कि एक दूसरे को गलत दिखाएं या ऐसी चीजें करें या ऐसी चीजें उछालें जिससे और प्रॉब्लम्स बढ़ें. पर ये तो टू कॉल आउट समथिंग व्हिच इज रॉन्ग यू मस्ट डू, बट टू डू इट क्योंकि आवाज उठानी है और चुप नहीं रहना. समय देखिए ना आप, समय तो देखिए.
अभी इट्स लाइक we're suffering, the country is suffering, the planet is suffering. इस समय क्या करना जरूरी है? अपना घर देखिए, अपना कारोबार देखिए, आपकी सड़क पे जो जानवर जीते हैं उनको देखिए, अपने पड़ोसी को देखिए, जहां मदद हो सकती है करिए, नहीं हो सकती मदद तो कम से कम तकलीफ तो मत बढ़ाइए. It doesn't mean I don't have an opinion, it doesn't mean that I don't think something is right or wrong, but I can't see it through. So what's the point of my just making noise about it? But एक thought ये भी कहता है कि because आप लोग brand ambassadors हैं, आप लोग role models हैं, and आप अगर एक आवाज भी उठाएंगे, एक statement भी देंगे, तो उसकी गूंज दूर तक जाती है. So I think कई बार एक moral responsibility नहीं हो जाती किसी actor की कि अगर वो कुछ गलत होता देख रहा है तो बिल्कुल भी नहीं. Because हमारे साथ it's a dual-edged sword. जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारी आवाज दूर तक जाती है. वो गलत भी जाती है दूर तक. तो एक्चुअली सिर्फ दो तरफा होता है. एक साइड के लोग होते हैं जो कहते हैं वाह आपने ये बात कही, दूसरे साइड यू जस्ट गेट ट्रोल्ड, यू जस्ट गेट अब्यूज्ड, यू गेट लाइफ थ्रेट्स, एंड आपने जो एक्चुअली गुड इंटेंशंस के साथ करना चाहा वो सब खत्म हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है. तो क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा आप काम करिए ना उसके लिए. आप उसको करिए ना. इट्स जो चीज आपको गलत लगती है उसका साथ मत दीजिए, उसका ढिंडोरा पीटने की तो जरूरत नहीं है ना. एक और बात, जैसे आपने अभी कहा कि एक्ट्रेस की लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, उल्टा पड़ जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि मेमोरी जो लोगों की होती है या लोगों की बॉलीवुड सॉरी हिंदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो होती है मेमोरी, वो बहुत शॉर्ट हुआ करती है जी. तो जैसे कई मुद्दे उठे, कास्टिंग काउच की बात आई, नेपोटिज्म आया, मी टू मोमेंट भी आया, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा ना, कुछ दिनों का शोर था, उसके बाद देयर वाज लाल आफ्टर द स्टॉर्म, व्हाट आफ्टर दैट, यू नो देयर वाज नथिंग, एंड इसको लेकर नो, देयर वाज नॉट नथिंग. इवन नाउ इट्स देयर इज नो इंडस्ट्री ऑन द प्लैनेट, कोई प्रोफेशन नहीं है प्लैनेट पे जहां पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपने बात की जो नहीं होती. You don't call it casting couch, but it's whatever else you want to call it. Nepotism, Me Too movement. This is everywhere. This is not just a problem relegated to the Hindi film industry. It is a universal problem. It is a problem because of the two genders and because of disparity in economics. These things happen everywhere. आवाज उठाना गलत नहीं है. उस बात को सामने लाना बहुत सही है. At least बात तो हो रही है उसके बारे में. एटलीस्ट थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा. अभी लोग डरेंगे, यू नो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है. अभी कल ही आई हर्ड समथिंग अबाउट यू नो सम कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड सम गर्ल्स एंड, बट दिस इज एवरीवेयर, दिस इज इन एवरी सिंगल इंडस्ट्री. एंड आई थिंक जो एस्पायरिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और आर्टिस्ट्स हैं, उनको अपने आप को ऐसा कंडक्ट करना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो उनके साथ बदतमीजी करने की. जब मी टू मूवमेंट आया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि आप यू स्टार्टेड सो यंग, आपके साथ कुछ हुआ होगा, आई सेड यू नो आई एम रियली सॉरी, आई सपोर्ट दिस मूवमेंट होल हार्टेडली, एंड आई एम डीपली डीपली पेन्ड फॉर द वुमेन एंड द मैन. डोंट फॉरगेट द मैन हु गो थ्रू दिस, हु वेंट थ्रू दिस, बट इन द 36 ऑफ माय इयर्स ऑफ माय करियर एक ऐसी वारदात नहीं है जहां किसी ने पूरी तरह या सजेस्टिवली मुझसे बात की होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा. बट देन आई हैव ऑलवेज बीन सेंसिबल. अगर कोई बोलेगा कि आप मीटिंग के लिए आइए और 7 बजे आप मुझे होटल में मिलिए, तो क्यों कोई जाएगा? पूरा दिन नहीं है मीटिंग्स के लिए क्या? और अगर वो कहते हैं अच्छा फिर रहने दीजिए, देन यू नो व्हाट द इंटेंशन वाज ना. इन आर डेस्पिरेशन, इन आर पैनिक कि हमसे आगे और लोग ना निकल जाएं, हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए. चलिए थोड़ा सा हल्के फुल्के टॉपिक की तरफ चलते हैं. I was thoroughly delighted, as I was telling you, to know from your social media that you have a puppy called Simba, as well as you have another one called Maple. So you are an animal lover, and aapne baatein bhi kari. Yes, we can tell. And you're an animist as well, and you are an environmentalist, and aap bahut podiums pe public speaking bhi karti hai, bahut kuch karti hai. So आपको क्या लगता है, as an aware person, as an activist, what do you think is the biggest
threat that India faces right now besides COVID? I think the biggest threat that not just India, but our planet is facing currently, it's peaking right now. And I'm so shocked that more and more people are not aware and are not actually in a state of panic adhering to what we should be doing. Mm-hmm. When I say I'm an animist, it means that I think all species are equal. Mm. The human race has as much of a right to live as any other species on the planet. Mm. We are so appalled when the rain destroys our homes, when floods destroy our homes, when animals come into our street. We have destroyed almost entire habitats to build our cement structures for more and more human beings to habitate them. And our population just keeps growing and growing. Our demands keep growing and growing. And we think nothing of using every single species on this planet. You can't name one. Wo chote kide ko bhi hum istemal kar lete hain. Wo silkworm ko bhi hum ubal ke istemal kar lete hain. I think the systems which laid the basis of the human civilization must be rethought. We have to rethink. We have to go back to a simpler way. We have to go back to a kinder way. If you say that you're not vegetarian, you eat meat because that's what human beings did. Human beings hunt and ate meat. They did not breed. They did not cut down forests to feed their fodder, which they're going to kill. We have to rethink the way the human race lives. Otherwise, bahut saalon tak human race bachega nahi. So I guess this kind of humanitarian approach is hugely lacking in today's world. That's what it is. And one more discovery that I've just made is that you're a prolific speaker. You are a wonderful, wonderful speaker. I don't know whether it stems from being a good debater, it stems from being an actor, a combination of everything. Yeah. Have you ever thought of joining politics? Because you will put any great politician to shame the way you speak your speeches. No. You'd be surprised how well versed they all are. I have a couple of friends who are politicians. Not all. They know their matter. They know they know their stuff. And I know what I love, which is acting and animals. I don't know anything else, so I can speak vociferously on these two subjects. Talking about this, ये तो हम सबको पता है आपके फैंस जो आपको फॉलो करते हैं that आप एक वर्सटाइल शख्सियत रखती हैं. And a little birdie told us that you do write, you do sing. मछली का जो आपका कैरेक्टर था उसमें भी आप गाती थी. हाँ. So that was one of the prerequisites of the character. Nice. तो फिर आपने कोई formal training नहीं है क्या म्यूजिक के? जी. I've learned for Indian classical music for a long time. And then my Guruji said, "Ek Bhagwan ko pujo, acting karo ya gao." So otherwise, I was singing quite professionally also. Beautifully. So, aaj kuch thoda sa suna dijiye na, please. Aap Australia mein pe the? Bilkul ji, Sydney. So, do you like any old Hindi songs? I'm terrible with words. My daughter knows all the words to all the songs, but I don't really know the words to all the songs unless I have them written. But I do know some of the old Hindi songs. Do you have any favorite old Hindi song? A lot. Aap jo bhi sunaye, aapka jo bhi favorite, aapki pasand ka kuch bhi sunaye aaj. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, हुमितवारे पानी में सीप जैसे
प्यासी हर आत्मा, बूंद निकली किस बादल में कोई जाने ना, हो रे ताल मिले नदी के जल में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही भगवान को पूछ रहे हैं? So, आप बहुत ही ये गाना मैं अपने भाई और बहन के साथ गाती हूँ। अच्छा, so it's very close to my heart. Yes. Oh, nice. My mother used to sing it, and then now my brother and my sister and I sing it together. How beautiful, how lovely is it? Thank you. आप क्या सोचते हैं आगे, अपनी डॉटर भी वो भी ये लेगेसी को आगे ले जाएगी जैसे आपने एक्टिंग ली मम के बाद? Do you think she'd be taking it up after you? Everyone keeps asking me if I've done her portfolio or if she'd be interested. She loves coming with me on set. She loves doing my lines with me. She takes all my pictures. But more than that, I don't think she really has that kind of drive to become an actor. But yes, she wants to be a photojournalist. And usse pehle ki hum ye interview ka silsila khatam kare, ek aakhri question ki Divya ka routine kya hai? Ek audience ke liye bataiye ki Divya jab shoot nahi kar rahi hoti to unka routine kya rehta hai? तो एक्टिंग के अलावा मैंने अपनी मम्मी से एक और चीज सीखी है, विच इज डिसिप्लिन। तो अब जब काम नहीं करते तो संडे तो नहीं है ना, तो रोज संडे तो नहीं मना सकते। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग बाय 6, आई डू प्राणायाम, आई टेक माय डॉग्स फॉर अ वॉक, आई गिव देम ब्रेकफास्ट, आई डू योगा, आई हैव माय कॉफी एंड आई वॉक एंड एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ द होम एंड यू नो द गार्डन एंड एवरीथिंग। बट आई हैव अ वेरी वेरी स्टेडी रूटीन. And it's not like I watch movies till 2 in the morning, 10 o'clock, by 9 o'clock, no blue screen media so that I read and, you know, I can actually sleep well at night. But I have quite a regimented routine in terms of food, in terms of, you know, yoga and exercise and everything. As much as I can do it holistically, I try and do it. See, agar yahan par sari zindagi rehna hai, ta umar yahan rehna hai, तो ये जो शरीर है, ये जो शक्ल है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है टू एक्ट, टू गेट अक्रॉस टू यू। तो इसको अपना हम सफर बना के चलना होगा, इसलिए उसको एक्सरसाइज देना होगा, उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना होगा, उसको से प्यार करना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। तो मैं वो सब करती हूँ। That's a great food for thought. और इससे पहले कि हम ये सिलसिला बंद करें, आपसे मुलाकात खत्म करें और आपसे विदा लें, हम एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलना चाहेंगे। okay. उस सेक्शन में आपको ले जाना चाहेंगे, which we have named Tasty Bites. We're going to give you two options for the questions that we ask. You've got to pick one, and you know that'll give a more thorough insight to your audience. Yep. So the first question: where do you prefer working? Television or films? I don't do television anymore, so films. So films. Which is more entertaining? Dilli ki shaame ya Mumbai ki raate? Dilli ki shaame. Dilli ki shaame. What is more satisfying? Planting a row of trees or feeding a bunch of hungry animals? Feeding a bunch of hungry animals. I think I got that gist from our previous question. After I feed them, I'll plant the trees. Okay, that's a good one. Who's your favorite pet? This is going to be difficult. Maple or Simba? Maple is the love of my life. She's just my doll. And yeah. Simba, we found outside our gate 2 years ago as a little 40-day-year-old baby. Okay. He found us. And he's the smartest, most resilient boy I know. He's just lovely. He's my friend. Oh. He makes those funny sounds as well, which you saw. He is so funny, I can't tell you. He's just so funny. I have to try very hard not to put up all his videos. He's too funny. It is actually. I've seen a few of those. okay, now tell me this one. You spoke about your siblings. So which one is your favorite one? Your brother Kavi or your sister Priya? We're, the three of us are the same. I can't choose because it would be like choosing myself. That's quite diplomatic. We're one. We'll accept that. The three of us are one.
You're playing safe, Divya. No, I'm not. I can't do without either. All right. Film that you enjoyed working more in, Jab Bhi Met or Dil Dhadakne Do? Dil Dhadakne Do. Okay. Jab Bhi Met was very small. So, you know, there wasn't much time. I just, you know, Imtiaz is a great friend. So there wasn't much time. And of course, the legacy that it left behind is very, it's fantastic, because in spite of not having much of a part, it still made an impact. But Dil Dhadakne was 2 months in Europe, and such a great team, and Zoya, and it was just fantastic. I've made lifelong friendships. So that was quite spectacular. Varied emotions portrayed in that as well. Yeah. पर इसके बाद फिर आप अगर आपने ये कह दिया है तो आप बायस्ड हो जाएंगी जब मैं ये पूछूंगी कि विच वन इज अ बेटर एक्टर, इम्तियाज अली या ज़ोया अख्तर? सॉरी, हु इज अ बेटर डायरेक्टर? या बेटर डायरेक्टर? या आई थिंक दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन देयर स्टाइल्स एंड यू रियली इट्स लाइक यू जस्ट कांट चूज. आई वुड, आई मीन आई डू एनीथिंग आइदर ऑफ देम आस्क्ड मी टू, व्हिचएवर पार्ट, व्हेनेवर, व्हेरेवर. They are. I'm just a phone call away. Yeah, they're just outstanding, both of them. Your favorite tele serial? Hum Log ya Dekh Bhai Dekh? Can I pick a third? Okay, so there was a show I did called Darar, which really made a huge difference to my career, and that was Lake Tandon's, and that led on to at least 20 other shows. You know, so okay, yeah, that made a huge impact. Nice. Okay, now just to the very last one, and hopefully it's not too difficult for you. If you could celebrate with one person at a given time, and I'm talking about the Mother's Day celebration, who would you choose to celebrate it with? With your mother Sushma Seth or your daughter Mehika Shah? My mother Sushma Seth. That's beautiful. I hope Mehika is not very offended after this. No, because she'll be with me, so it's all right. I can't tell you, Divya, how wonderful it has been talking to you. It has been an absolute delight. You have been, thank you so much, so frank, so much in your element, and we love talking to you. How kind. आपका इसी तरह काम चलता रहे, आपकी humanitarian approach औरों को भी infectious होके impress करे, उनको promote करे, उनको inspire करे. Thank you. इसी thought के साथ आपसे विदा लेते हैं. Thank you for talking. Thank you so much.